हमारे चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नंदीग्राम में हार से पोखलाई ममता बनर्जी ने अब न्यायाधीश पर बीजेपी समर्थक होने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने कोर्ट से मामले को ट्रांसफर करने की मांग की है। ममता की इस गुंडागर्दी को बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और ममता का डर अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कोलकाता हाईकोर्ट के जज पर भी ममता बनर्जी भरोसा नहीं कर पा रही है। टीएमसी अब कोलकाता हाईकोर्ट के जज पर भी सवाल उठा रही है। बीजेपी समर्थक होने का आरोप उन पर लगाया गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई और हार की बौखलाहट लगातार बंगाल में हो रही हिंसा और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को घेरा जा रहा है उसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। अब नंदीग्राम में हार को लेकर धांधली का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। हालांकि आज इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। 24 जून को इस याचिका पर सुनवाई होगी। चूंकि ममता बनर्जी के वकील सोमेंद्र नाथ मुखर्जी ने यह अनुरोध कोर्ट में किया कि दरअसल इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक करने के निर्देश जारी किए जाएं, जिसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने अब 24 जून को इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन आपको बता दें उसके बाद अब टीएमसी नेताओं ने न्यायाधीश कौशिक चंद जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं उनके संपर्क बीजेपी के साथ रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल उनकी अदालत से मामले को ट्रांसफर किया जाए। जो याचिका कोलकाता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी की ओर से नंदीग्राम चुनाव नतीजों को लेकर दायर की गई है। ममता बनर्जी के वकील ने हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को लेटर लिखकर न्यायमूर्ति कौशिक चंद की पीठ से मामले को हटाने की मांग की है। दरअसल उनके इतिहास का हवाला उनकी तरफ से दिया गया है कि जज कौशिक चंद जब वकील थे तब वो बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, तो ऐसे में टीएमसी को ये नहीं लगता कि वो एक निष्पक्ष फैसला सुना पाएंगे। यानी पहले से ही ये आरोप न्यायाधीश पर मढ़े जा रहे हैं। पक्षपातपूर्ण फैसला हो सकता है, ये टीएमसी आरोप लगा रही है। पत्र में साथ ही ये भी लिखा गया है कि दरअसल ये पूरा मामला जो याचिका ममता बनर्जी की ओर से दायर की गई है ये बेहद संवेदनशील मामला है। नंदीग्राम में वोटिंग को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है, ये आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। आखिर इस केस की सुनवाई ये जज कैसे कर सकते हैं, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर वो सुन भी ले तो फैसला कहीं ना कहीं पक्षपाती होने की पूरी उम्मीद है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें इस पूरे मामले में हालांकि जो सुनवाई है अगली वो 24 जून को होगी, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से टीएमसी के आरोप लगा रही है जाहिर तौर पर उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। तो सवाल ये है कि क्या अब कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए जज भी ममता बनर्जी तय करेगी? क्या अब अदालती कार्रवाई में भी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ये तानाशाही करके फैसला अपने पक्ष में करने का दबाव कोर्ट पर बनाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा खुद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता पहले कर चुके हैं। नारता स्टिंग केस में हमने देखा कि किस तरीके से सीबीआई दफ्तर में जब सीबीआई ने टीएमसी के चार नेताओं पर शिकंजा कसा तो सीबीआई दफ्तर ममता बनर्जी पहुंच गई, वहां कई घंटे तक उनकी तरफ से धरना दिया गया। इतना ही नहीं, कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, इसके अलावा यहां तक कि कानून मंत्री भी वहां सीबीआई दफ्तर पहुंच गए और इन तमाम लोगों ने वहां कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई। इस पर भी ममता बनर्जी को सवाल जो है कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से जो नारदा सिंह केस कोलकाता हाईकोर्ट में चल रहा है उसको लेकर फटकार लगाई गई। लेकिन जिस तरीके से सीपीआई की स्पेशल कोर्ट को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश दबाव बनाकर की गई, सीबीआई अधिकारियों को डराया और धमकाया गया, ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से ये तानाशाही करके ये डरा धमकाने की राजनीति करके ममता बनर्जी अब कोलकाता हाईकोर्ट के जज जो न्यू
नियुक्त किए गए हैं इस पूरे मामले में उन्हें भी हटाने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपने पसंद के जज को वहां बैठा सके। तो ये पूरी राजनीति है जो ममता बनर्जी की तरफ से पश्चिम बंगाल में की जा रही है। और बंगाल में राज्यपाल अगर ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हैं, ममता बनर्जी के शासन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उन्हें खुलेआम जान से मारने की धमकियां टीएमसी की ओर से दी जाती हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी का एजेंट भी राज्यपाल को करार दिया जाता है। तो ये गुंडागर्दी है जो खुलेआम ममता बनर्जी और टीएमसी की देखने को मिलती है। टीएमसी के तमाम नेता राज्यपाल के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे तमाम मामले जिसमें फिर चाहे वो शारदा केस हो, शारदा घोटाला हो या फिर नारदा स्टिंग केस हो, उसमें सीबीआई और ईडी अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं की जांच करती है, अगर उनके घोटालों का पर्दाफाश करती है, तो उस पर भी ममता बनर्जी तमाम आरोप लगाती हैं कि दरअसल केंद्र सरकार के इशारे पर ये तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग वहां अगर गाइडलाइन तय करता है, चुनाव आयोग अगर यह कहता है कि 8 चरणों में चुनाव होंगे, तो उसमें भी ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आती है। यहां तक कि चुनाव प्रचार के दौरान अगर तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो दिल्ली से चुनाव प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं, तो उन्हें खुलेआम धमकियां उनकी तरफ से दी जाती हैं। यहां तक कि उन्हें बाहरी करार ममता बनर्जी की ओर से, टीएमसी की ओर से दिया जाता है। तो ये पूरी स्थिति है जिससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में किस तरीके का शासन कर रही है, किस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी, ये धमकियां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी देती आई है। और अब कोलकाता हाईकोर्ट के जज पर भी ये आरोप मढ़े जा रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में जाने माने वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी बातें कहने वाले न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर छात्र जीवन में कई लोग राजनीति करते हैं, लेकिन जज बनने के बाद वो शपथ लेते हैं और बाद में स्थिति वो नहीं रहती है जो पहले जैसी थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके के आरोप अब जज पर ममता बनर्जी लगा रही हैं, वो जाहिर तौर पर बेबुनियाद हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि कौशिक चंद ने जज बनने के बाद वो किसी राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा रहे हो। जिस तरीके के आरोप ममता बनर्जी और टीएमसी लगा रही है, ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी फिलहाल पश्चिम बंगाल में बतौर मुख्यमंत्री जो कुछ भी कर रही हैं, वो बेहद घातक है। एक संवैधानिक व्यवस्था की मुखिया दूसरी संवैधानिक संस्था के प्रति अविश्वास व्यक्त करती है, जिसके परिणाम बेहद भयंकर हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के कई नेता भी ममता बनर्जी पर अब पलटवार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल नंदीग्राम में हार का डर और बौखलाहट इतनी ज्यादा ममता बनर्जी में बढ़ चुकी है कि अब वो चुनाव नतीजों के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गई है। लेकिन टीएमसी कहीं ना कहीं ये नौटंकी जिस तरीके से कर रही है, आपको बता दें, ना सिर्फ ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में जो चुनाव परिणाम आए उस पर चुनाव आयोग को घेरते हुए बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए हैं, बल्कि उसके बाद टीएमसी के एक और नेता शांतिराम महतो ने अपनी चुनावी हार को चुनौती देते हुए कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल चुनाव में धांधली हुई है और जो वोटों की गिनती है वो ठीक तरीके से नहीं की गई है। तो एक के बाद एक जिन सीटों पर टीएमसी हारी है, अब वहां से ये नेता इस तरीके से सामने आ रहे हैं, कोर्ट का रुख कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिन सीटों पर ममता बनर्जी जीती है, तो क्या बीजेपी को उन सीटों पर जांच करवानी चाहिए? क्या उन सीटों पर के चुनाव नतीजे भी देखने चाहिए जहां टीएमसी की ओर से, ममता बनर्जी की ओर से जीत हासिल की गई है? जिस तरीके से ममता बनर्जी तुष्टिकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में कर रही है, लगातार वहां रोहिंग्या और घुसपैठियों को उन्होंने जगह दी हुई है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए, क्या उसमें ममता बनर्जी ने कोई बड़ा खेला किया हो? तो ये तमाम सवाल हैं जो लगातार जनता ममता बनर्जी पर दाग रही है। आपको बता दें, खबर ये भी है कि टीएमसी के और कुछ नेता ऐसे हैं कई सीटों पर जहां वो हारे हैं, अब वो इन तमाम नतीजों को चुनौती आने वाले वक्त में दे सकते हैं।
और बताया ये जा रहा है कि जहां छोटे अंतर से बीजेपी जीती है उन सीटों पर दरअसल टीएमसी की निगाहें हैं, जिसमें गोघाट, मोयना और बोनगाम दक्षिण, इसके अलावा बलरामपुर, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां से ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अब ये उन्होंने नाटक शुरू किया है कि वो अब इन चुनाव नतीजों को वहां से चुनौती कोलकाता हाईकोर्ट में देंगी। तो कहीं ना कहीं बंगाल हिंसा का जो तांडव पश्चिम बंगाल में जारी है उससे ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से उन्होंने याचिका कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की है उसको लेकर की जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी लगातार बेनकाब हो रही है, किस तरीके से डराने और धमकाने की राजनीति कर रही है, किस तरीके से तानाशाही वो पश्चिम बंगाल में करना चाहती है, ये अब कोलकाता हाईकोर्ट के जज पर सवाल उठाकर टीएमसी ने साबित कर दिया है कि वो अब किसी भी स्तर तक इस गुंडागर्दी को लेकर जा सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।